खबर गरियाबंद जिले से है, जहां पूर्व विधायक अमितेश शुक्ला ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने राजनीतिक, प्रशासनिक और स्थानीय समस्याओं को लेकर चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए संभावित नामों को लेकर भी चर्चा की। इसके बाद उन्होंने बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा का 6 महीने का शासनकाल हो गया है और जनता की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए आमजनों की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। घोषणा पत्र में अपने दे दिया है कि सीकासार का पानी ये लोग महासमुंद सरायपाली देंगे। सीकासार में वैसे भी जो पानी आता है उसमें थोड़ा जो है वो स्टील में प्रॉब्लम होता है और दो फसल लेने में जो है मुश्किल होगी अब, क्योंकि ये पानी पूरा सीकासार का पानी का अधिकांश पानी अगर ये महासमुंद सरायपाली देने लगेंगे, जो इन्हें घोषणा पत्र बोला है जिसका सर्वे भी हो गया है, ये बहुत ही गंभीर चीज है और इससे जो है हमारे लोगों को बहुत परेशानी होगी। इसके जवाब मैं चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि दें, इसको बताएं ये लोग जो है भाई, चाहे कोई भी हो जनप्रतिनिधि, जितने जो है चाहे नगर पंचायत के अध्यक्ष हो चाहे विधायक जी हो, ये बताएं कि पानी जो है ये सर्वे हो रहा है इसको कैंसिल करवाएंगे नहीं करवाएंगे और योजना है उसको ये बंद करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, इसका जवाब दें। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ। दूसरा, ये हम लोगों ने जो चर्चा करी कार्यकर्ताओं साथियों से कि शराब का, मैंने शराब के लिए जो है वो 15 दिन के लिए बंद करवा दिया था पुन्नी मेला में जब मैं था, तो वो तो बंद होने के तो बाद छोड़ दीजिए, शराब बंद की ये लोग बड़ी बातें करते थे बड़ी बड़ी, अब वो बात जो है उसमें ये शराब का रेट बढ़ा दिया इनने, प्लस वो जो है वो जो चकला था वो चकना था वो उसको जो है इनने ऑफिशियली चालू कर दिया। तीसरी चीज, सबसे गंभीर चीज है बिजली कटौती। इतनी ज्यादा बिजली कटौती आज तक इतिहास में कभी हुई नहीं और ये बिजली कटौती जो है ये होना समझ में आम समझ से परे है कि बिजली कटौती जो हो रही थी। बिजली कटौती भी जो है एक बहुत गंभीर समस्या है जिसके विषय में हम लोग सब लोग जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर सब कार्यकर्ताओं चर्चा करके जो है इसके ऊपर निर्णय लेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो भाजपा के, तत्काल इसको करवाएं, अन्यथा निश्चित रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठने में मजबूर होंगे।